हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान, मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है हाउ इंडियंस पुट डीपीस डिस्प्ले पिक्चर्स। सिंपली सेल्फी लेके यहां खड़े हो कैसे एक्स्ट्रा है इसमें फनी वीडियो बनाई दी है। अच्छा ये एंग्री उनकी है नहीं, क्या नाम है इनका, स्ले पॉइंट। दीज टू आर टू गुड ऑब्वियसली, इनकी वीडियो बहुत मजे की होती है। अभी मजे का बनाया अगर रोस्ट किया गया होगा कुछ लोगों को जो डीपी जैसे लगाते हैं। अच्छा ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ये कंटेंट उठा कर लाते हैं, नॉर्मली ऐसी चीजें नजर नहीं आती जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की ऑब्जर्वेशन है, इग्नोर कर देते हैं। जैसे डीपी है अक्सर लोग वीड वे में लगाते हैं, उन्होंने वीडियो बना दी। हमारी डीपी यहाँ तक पहुँच गई, लेट्स सी। क्या मूवी थी यार, क्या वीएफएक्स था डूड, मैं तो तीन बार रोया। मैं भी, स्पेशली एंडिंग में, इतना इमोशनल। सही में यार, हैट्स ऑफ टू करण जौहर। करण जौहर? हाँ, धर्मा की थी ना। एक मिनट, तू कलंक देख कर आया? हाँ। कबूतरों के साथ टोटके बना, टोटका है दोस्तों। सस्ते सेटअप में वापसी, जब घर में रूम से दो गुना ज्यादा रिश्तेदार आ जाए ना तो हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। एनीवे यार, आजकल सपनों की क्वालिटी इतनी गिर चुकी है ना कि जिंदगी बदलने और दुनिया बदलने से लोग अब बस डीपी बदलने पे आ गए। कुछ लोगों की तो लाइफ इतनी बेहतरीन है कि उनका सबसे बड़ा टेंशन होता है। बहुत टेंशन है यार, आज कौन सी डीपी लगाओ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। ऐसे ही टेंशन सबको दे। एक तो इनके फोटो खिंचाने के अजीब ही ढंग है। एक फोटो लेना, एक फोटो, एक और, एक और, एक और, एक पोर्ट्रेट मोड तो बनता है ना यार। गवार को गिनती नहीं आती क्या? एक लास्ट और, एक और लास्ट। पहले फोटो दिखा, तो ये प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो, ग्रुप फोटो, स्टोरी फोटो, डॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, ये शादी.com, और ये मरने के बाद दीवार पर सही लगेगा। भाई लास्ट वाला मेरा भी ले दे। ये डीपी डीपी करने वाले आधे नमूनों को डीपी का फुल फॉर्म तक नहीं पता होता, तुझे पता है? हाँ, धांसू पिक्चर। नहीं, डर्टी पिक्चर। कुमार पत्नी का अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं भाई साहब। डीपी डिस्प्ले पिक्चर, डीपी पिक्चर, फर्क घुसानी है ना हर चीज में। पर डीपी लगाने का ना पूरा सिस्टम है। बेस्ट डीपी आती है फेसबुक पे, फिर इंस्टा, सस्ती वाली व्हाट्सएप पे, और फिर आधार कार्ड। और कभी इसका भी जेरॉक्स करा लो तो फोटो से मजनू भाई का ड्रॉइंग बन जाता है यार। कुछ लोग तो इतने चाइनीज माल है कि सिर्फ डीपी देख के मिलने जाओ ना तो लगता है ये टॉम क्रूज उदय चोपड़ा का बन गया। अब डीपीओ का एक इम्पोर्टेंट रूल है कि आपको हमेशा अपनी असलियत छुपानी है। मतलब हो गए तुम आलू गोभी वाले, बट डीपी में लगना है जैसे तुम खाते हो क्रोकेम बुशे। ये डिश है या मेन्यू? बेसिकली औकात से ज्यादा हाई फाई लगना है। अब पहले आते हैं गुड लुकिंग पीपल्स, जिनसे मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। ये डीपी को ना चड्डी की तरह ट्रीट करते हैं, रोज बदलते रहेंगे। कुछ लोग तो फेसबुक को गवर्नमेंट फॉर्म समझ के पासपोर्ट साइज फोटो ही शूट कर देते हैं यार। फोटो स्टूडियो के 50 रुपए वसूलना ना कोई इनसे सीखे। एंड ऑफ कोर्स हमारे थर्ड ग्रेड सेलिब्रिटी वाले जो मोनू भटनागर नाम के साथ ऋतिक रोशन की नंगी फोटो लगाते हैं। वाह, मान ही गए हम तो। नहीं मतलब कमिटमेंट तो इतनी टट्टी है कि नकली बनना है पर वो भी आधा। अरे नाम भी तो बदलो। अब फेंकने में लॉन्डो के फेवरेट है जैन भाव और लॉन्डियो की सेलिना ताई, क्योंकि क्या है कि फॉरेनर की फोटो लगा के हम ज्यादा क्यूट लगते हैं। फिर कुछ लोग डीपी से अपने इंटरेस्ट बताते हैं, जैसे गाड़ी, बाइक, स्पोर्ट्स टीम। अरे हमें भी बहुत चीजें पसंद है, सबकी फोटो तो नहीं लगाते ना यार। अब मैं डीपी में जेठा के जानबाज लगाऊं तो कोई भेजेगा रिक्वेस्ट? ऑनलाइन भाव खाने का भी नया तरीका है कि उदासी में डीपी हटा दो। इससे पहले ये मुझे अपनी आशिकी 3 की स्क्रिप्ट सुनाए। अब आते हैं वो जो 100 ऐप यूज करके फेस पे स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। गड्ढे वाली गली को हाईवे बना देते हैं यार, जैसे किसी ने क्राइम सीन से सारा सबूत ही मिटा दिया। थोड़ा बस थोड़ा तो रियल रहने दो, क्योंकि हमें फेस पे स्किन देखने की आदत है, दीवार नहीं। अब कुछ नया करना था तो हमने सोचा क्यों ना डीपी में भी थोड़ी कॉमेडी की जाए। तो लेट्स लर्न फ्रॉम द बेस्ट। प्लीज वेट, माय डीपी इज लोडिंग। डीपी थाने में जमा है। डीपी लगाई थी पर चोरी हो गई, बहुत महंगी थी ना, बहुत महंगी थी डीपी। व्हाट्सएप डीपी, व्हाट्सएप खूनी, हंसा हंसा के किया नौजवान का कत्ल।
नो डीपी कोज आर टू लेजी टू क्लिक पिक, जिसका ट्रांसलेशन है कि सालों से एक भी ढंग की फोटो नहीं आई है यार। डीपी छोड़, पर्सनालिटी दे। काश, पर क्या है ना, व्हाट्सएप पे अभी तक पर्सनालिटी देखने का फीचर ना आया नहीं है। पर कोई नहीं, ये डीपी ऑलरेडी टट्टी पर्सनालिटी के तरफ ही इशारा कर रही है। नो डीपी टुडे और अनाउंसमेंट करने के लिए थैंक्स, वरना तो हम पूरा दिन तुम्हारी डीपी रिफ्रेश करते रह जाते। कीप काम, न्यू डीपी कमिंग सून। ये किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। डीपी वरना कोई और पसंद कर लेगा। अरे तो मत लगाओ ना, किसी ने पूछा औकात है डीपी देखने की? हाँ? अच्छा तो अब औकात टेस्ट देना पड़ेगा डीपी के लिए। कोई नहीं, अगर लवली नाम का यूनिवर्सिटी आ सकता है तो औकात टेस्ट क्या चीज है। नो डीपी बट माँ कसम आई एम क्यूट। नहीं नहीं भाई, लास्ट टाइम यही कसमें खाए थे उस क्यूटी एंजल प्रिया ने, जो बाद में एंजल प्रियांक निकला। I will marry a girl who looks pretty in आधार कार्ड। सीधा सीधा बोलना कि तुझे सिंगल मरना है। क्यूट एंड डीपी, ये हाथ क्यूट भी लग सकता है और क्या क्या क्यूट लगता है भाई, बता दो, फिर चेहरा डालने की जरूरत ही नहीं, पता चला कल को तुम्हें घुटने भी क्यूट लगने लगे। स्टाइलिश बॉयज डीपीज। वाह, जब शरीर में खून की जगह पाउडर बहने लगे तो यही हालत होती है। डीपी देख ली, अब निकल यहाँ से। अरे भागो भाई। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना फोटो खिंचाते ही रहेंगे और लाइक भी करते हैं। बैनर उठा ले क्या, बैनर उठा ले ना। यार मैंने खींचा, आप लोग खींचो यार, देखो इससे तो होने वाला नहीं है। ओके ओके, सो वीडियो वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। ये सारे मसले कनेक्टेड है और बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई हुई थी। और अगर आप अभी भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलें तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट साइज डीपी नजर आएगी, गाड़ी की डीपी नजर आएगी, बाइक की डीपी नजर आएगी, किसी ना किसी सेलिब्रिटी की डीपी नजर आएगी। काम वाली भी डीपी होती है, काम वाली कमिंग सून, स्पेशली जब किसी की बर्थडे आ रही होती है ना, कमेंट्स में माय बर्थडे है ना। हालांकि फेसबुक नोटिफिकेशन भेज देता अगले बंदे को, भाई उसने तुझे विश नहीं करना, तू भले लगा ले डीपी, करना होता तो उस नोटिफिकेशन में। उदासी वाली क्या बात थी, वो जो तुमने की पिछले 6 महीने? मैंने क्या की, एक्सप्लेन। पिछले 6 महीने तुम्हारे व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगी हुई थी। वो इसलिए लगी हुई नहीं थी क्योंकि मैंने कोई पिछले 6 महीने में पिक्चर क्लिक नहीं की थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात, ये उदासी वाले चक्कर इधर नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, हमें दुआ करनी चाहिए सबके लिए कि किसी का सब खुश रहे, किसी पर ये नौबत ना आए, किसी पर ये नौबत ना आए, रिश्ते बने रहें, खुश रहें, किसी की कोई तकलीफ ना आए, इन रिश्तों की जो है ना तकलीफें देखे ना कोई, क्योंकि बड़े मान टूटते हैं लोगों के, लोग बड़ी बड़ी परेशानियों में चले जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है, लोग सिमें तोड़ देते हैं। हम बहुत ज्यादा पर्सनल होना शुरू हो गए इससे पहले कि ज्यादा राज खुलें। इससे पहले कि ज्यादा राज हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, बहुत लंबी वीडियो हो जाए। हाँ, बेहतर है कि हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करें, ये वीडियो समाप्त करें, खत्म करें। दे आर ऑलवेज गुड और इनको जो क्लियर पॉइंट इज वेरी गुड चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसकी बाकी वीडियोज भी इतनी ही फनी है, पर ये रियल लाइफ से सिनेरियोज उठाते हैं और उस पे वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इन्होंने एक जो बात कही कि जब रिश्तेदार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको मैनेज करना पड़ता है, चलो इन्होंने एटलीस्ट वीडियो बना ली, हमारी तरह मिस नहीं हुई इनकी वीडियो है ना। तो सीधा सीधा टॉन्ट मेरे में मारा जा रहा है। खैर चलो, रिश्तेदार भी पार्ट होते हैं, घर में बैठे हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी भी है ना। ओके इजी, कैमरा हिल रहा है हमारा, ठीक है, मैं तो नहीं हिला रहा, पता नहीं कहाँ से हिल रहा है, सब ठीक है, कोई जल्जला नहीं आया। खैर, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और कुछ भी कहना चाहें इस वीडियो के बारे में या किसी और बारे में नीचे कमेंट करें। कोई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो हमें लिंक नीचे कमेंट में दें, हम कोशिश करेंगे एज़ सून पॉसिबल देखें, और दूसरा चैनल भी हमारा जाकर देखें, सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।